गुड मॉर्निंग क्लास, हिंदी क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी क्लास में एट क्लास को पाठ तेरह शांति पढ़ाएंगे। शांति पाठ जो है वो प्रसिद्ध लेखक, हिंदी के प्रख्यात लेखक विष्णु सखाराव खांडेलकर के ने प्रस्तुत लघु कथा में बाल मन और प्रौढ़ मन की भावनाओं के अंतर की सुंदर अभिव्यक्ति की है। कथा में पिरोए गए चील, भील और सांप से संबंधित प्रसंगों में केवल पक्षों का ही अंतर है, घटना व संदेश एक ही है। इन तीन विभिन्न प्राणियों के शिशुओं में जहाँ मन की निश्चलता, माँ के प्रति आघात प्रेम, उसके दुख की कल्पना मात्र से ही अपने भोज्य पदार्थ को त्यागने के लिए तत्पर हो जाना तथा संपूर्ण जीव जगत के प्रति दया भाव है, वही उनके माता पिता अपने संस्कारों में के सहजता स्वभाव को ना छोड़कर उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया है, छोटी सी कहानी है कि एक सन्यासी जो है वो शांति के लिए, कि इस दुनिया में कब शांति होगी, इसके लिए प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। वो बराबर प्रार्थना कर रहा है, यहाँ उसने सारे उसको दिखाया है, इंसान को भी दिखाया है, जानवरों को भी दिखाया है, कि वो सबके लिए प्रार्थना कर रहा है कि किस तरीके सब एक साथ मिलके रहें। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ उसमें दिखाया गया है कि एक भील, एक सांपिन और एक चील, ये एक दूसरे से दुश्मनी निकालने में कि कैसे हम उनको नुकसान पहुंचा, और इनके जो बच्चे हैं वो हर जगह जब वो ये कहते हैं कि भील अपने बच्चे से कह रहा मैं तेरे को सपोला ला के दूंगा, चील अपने बच्चे से कह रही है मैं तेरे को चकूला ला के दूंगी, इस तरीके से जो ये सब जो कह रहे हैं, तो इन सारे बच्चों के मन में अपने माताओं के प्रति इतना प्रेम है कि वो ये कहते तो मुझे ये लाके दोगी तो क्या उसकी माँ को दुख नहीं होगा। तो ये जो बड़े लोग हैं, इनके माता पिता हैं, वो बच्चे तो अपना भोज्य पदार्थ जो है, जो जानवर उनको लाके दे रहे हैं मुलायम, तो वो छोड़ने को यानी केवल इस कल्पना मात्र से कि कहीं उनकी माँ को दुख तो नहीं होगा, क्या उनकी माँ को दुख नहीं होगा। इस पर उनके माँ बाप उनसे कहते, तीनों में दिखाया है कि तीनों के माँ बाप उनसे कह रहे हैं कि तुमने तो बेकार में हमारे घर में जन्म ले लिया है, तुम्हें तो साधु के घर में, उस सन्यासी के घर में जन्म लेना चाहिए था। और अंत में ये एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं और आदमी चील का चकुला और सांप का सपोला तीनों मर जाते हैं, और वो जो साधु है वो बेचारा अपने पूजा पाठ करके आता है, जब उनको बराबर में लेटा हुआ देखता है तो एक पल के लिए वो इस उसमें घमंड में भर जाता है कि शायद आज ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, लेकिन जब वो पास में जाता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। ये इस पाठ की छोटी से मैंने आपको सारांश बताया है। इस पाठ के शब्दार्थ है, इसको देखिए, शब्दार्थ अर्थदान, सूरज को जल अर्पित करने की क्रिया, जो पंडित लोग या बहुत से जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं वो सुबेरे सुबेरे सूरज को पानी चढ़ाते हैं, उसको कहते हैं अर्थदान करना। संहारक, नाश करने वाला, घट मन को भी कहते हैं, शरीर को भी कहते हैं। आखेट का मतलब है शिकार। दया निधान, कृपालु, ईश्वर या दया का घर। दावानल, जंगल की आग। उकाब, बड़ी जाति का गिद्ध गरुड़। प्रलोभन, लालच। सपोला, सांप का बच्चा। अनुगामी, अनुकरण करने वाला या कहते ना पीछे चलने वाला। निवृत्त होना, काम समाप्त करना और बंधुता, भाईचारा। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। इससे पहला क्वेश्चन है, चील ने आखेट पर जाते समय चकुले को क्या समझाया?
चील ने चकुले को समझाया था कि अभी तुम्हारे पंख कमजोर हैं, तुम बाहर नहीं जाना, मैं तुम्हारे लिए सांप का बच्चा यानी सपोला लेकर आऊंगी और तुम अभी कमजोर हो, तुम बाहर मत जाना। दूसरा क्वेश्चन है, कहानी में किन अंशों से सन्यासी को अपनी तपस्या पर अहंकार व्यक्त होता है? जब वो पूजा अर्चना करके लौट रहा है और वो देखता है एक आदमी, एक सांप का बच्चा और एक चील का बच्चा बराबर में लेटे हुए हैं, तो उसे एकता का आभास होता कि ये लोग में हम दोस्ती हो गई है और ये आपस में एक साथ लेटे हुए हैं। एक पल के लिए उनको दूर से उन्हें एक साथ लेटे हुए उनको देखकर उसे इस चीज का अहंकार होता है कि शायद ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, सन्यासी को पल भर की सन्यासी के पल भर की प्रसन्नता विषाद में क्यों बदल गई? जब उसने उन तीनों लोगों को देखा कि वो आपस में प्रेम से नहीं लेटे थे, उन्होंने एक दूसरे को काटा था और वो सब तीनों मर गए थे, तब उसके दुख में वो उसकी जो थोड़ा सा उसको सुख मिला था, खुशी मिली थी कि लोगों में प्रेम भाव जागने लगा है, वो दुख में बदल गया। आगे है, कहानी में वर्णित प्राणियों के बच्चे अपने पारंपरिक भोज्य पदार्थ को छोड़ने के लिए क्यों तैयार थे? वो एक दूसरे की माता के दुख को सोचकर कि अगर एक का बच्चा मरेगा, एक का बच्चा पकड़ेगा दूसरा, तो उनकी माता को कितना दुख होगा, केवल वो ये सोचकर कि हमारे जिनको पकड़ा जाएगा एक दूसरे को, उनकी माता को दुख होगा, ये सोचकर वो उनका जो पारंपरिक प्रिय भोज्य था उसे भी छोड़ने को तैयार थे। तुम्हें तो जंगल में उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था, चील, भील और सांपिन ने अपने बच्चों से यह बात क्यों कही? जब उन बच्चों ने बराबर तीनों बच्चों ने अपने पिता और अपनी माता से ये पूछा कि क्या उसकी माँ को, उन बच्चों की माँ को दुख नहीं होगा, तो उन्होंने बहुत समझाया कि इनके बीच में हमारी दुश्मनी चलती है, इनसे हमारी दोस्ती नहीं है, ये तो हमारा सदियों से चला आ रहा है ऐसे। और जब वो बच्चे समझाते हैं कि उसकी माँ को दुख होगा, तो वो तब उनके पिता उनसे कहते हैं कि तुम्हें तो हमारे यहाँ नहीं, तुम्हें तो उस सन्यासी के घर में जन्म लेना चाहिए था जो कि शांति का पाठ पढ़ाता है। लास्ट है, ये रूपक कथा हमें क्या संदेश देती है? ये रूपक कथा हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने की, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी को छोड़ने की संदेश देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपके थे, इन्हें मैं आपको लिखित दूंगी, आपको इनको करना है कॉपी में, और ये आपका कोर्स आपका अब प्रीमिट का स्टार्ट हो रहा है, इससे आप लोग ध्यान से कॉपी में करें। ओके।